में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। तामीर के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि मैंने हर हलके में जाके पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में एक दिन में 10-10 जलसे किए और फिर इमरान खान को हम सब ने मिलकर मुल्क का वजीर आजम बनाया। उसके बाद मैं भी वजारत आला का उम्मीदवार था, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, अलीम खान भी था और पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा कैडर था। फवाद चौधरी एमपीए बना था, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि हम में से कोई भी फिट नहीं है, सिर्फ उस्मान गुलजार जो है नया पाकिस्तान बना सकता है। हमने फिर भी अपने जज्बात पे कंट्रोल किया, हमने कहा कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है। अगर इमरान खान समझता है कि नया पाकिस्तान उस्मान गुलजार बना सकता है तो हम फिर भी उसके साथ, लेकिन पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि नया पाकिस्तान जो है पंजाब में क्या तमाशे हो रहे हैं और नया पाकिस्तान जो है उस्मान गुलजार किस तरीके से बना रहा है। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पूरे पंजाब के वर्कर, पूरे पाकिस्तान के वर्कर, और मैं चैलेंज करता हूं पूरी हमारी फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मिनिस्टर, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, यूरोप तक हर बंदा आहे भर रहा था कि हमने ये पाकिस्तान बनाना था जिसमें हर 3 महीने के बाद कभी प्राइम मिनिस्टर बदला, चीफ मिनिस्टर बदला जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी बदला जा रहा है, कभी आईजी आ रहा है, कभी मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीसी पैसे दे के लग रहे हो, एसी पैसे दे के लग रहे हो, लेकिन हमने वो भी बदलाव किया। हमने कहा कि हमने इमरान खान के साथ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब नहीं चल रहा है, एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी उस्मान गुलजार को वजीर आला बनाना है। जाके देखते सड़के पूरे पंजाब में टूटी फूटी पड़ी, रिश्वत जो है निचले लेवल पे कई गुना बढ़ गई है, लेकिन हमने कहा कि हमने लॉयल्टी करनी है, हमने इमरान खान के साथ खड़ा करना है, हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इमरान खान के साथ खड़े थे। और उसके बाद मैं चुके जो जिसकी वजह से मैं सैक में हूं, वो बात मैं कौम को, पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि यह रमजान का महीना है और मैं जो बात कह रहा हूं अगर उसमें एक बात भी सच ना निकले तो जो सजा ये कौम देगी मैं लेने के लिए तैयार हूं। पहली बात तो यह है कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा, पंजाब रोता रहा, हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर रोते रहे कि उस्मान गुलजार को तब्दील कर दो, न्याय चीफ मिनिस्टर ले आओ, नहीं मानी गई बात। फिर अखीर फैसला हुआ कि उस्मान गुलजार को तब्दील करना है। 184 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पीटीआई के टिकट पे बन के आए हैं, उनमें से इमरान खान को एक बंदा भी पसंद नहीं आया जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके, एक बंदा उसको नहीं आया तो उसको चीफ मिनिस्टर बना सके। उसने एक ऐसे शख्स को नामजद किया जो कि ना पीटीआई का मेंबर है ना पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। क्या वजह है? 184 मैं समझता हूं कि ये पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के एमपी के चेहरे पे तमंचा है कि एक ऐसे शख्स को जो 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो वो बयान देता रहा है पंजाब असेंबली में सबके सामने है, जिस तरीके से उसने तमस्ते लगाया है प्राइम मिनिस्टर का अपने इंटरव्यूज में, कभी वो जाके नून के साथ वजीर आला बन जाता है, फिर हमारा बन जाता है, फिर आप उसको, आप एक तरफ कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा,
फिर आप उस शख्स से ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसके पास 9 MPA है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मैं 1.5 साल दिल्ली में गवर्नर रहा हूं, 3.5 साल से पीटीए का गवर्नर हूं। उस वक्त मुल्क में पंजाब के अंदर 4 सूबे नहीं थे, पंजाब के अंदर 1 बहावलपुर सूबा था, 1 गुजरात सूबा था, 1 पंजाब के अंदर चकवाल सूबा था, 1 मंडी बहावल सिंह सूबा था। तो मैंने एक दफा किसी काम के लिए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को फोन किया, तो जब उसने मुझे बताया कि सर इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही बंदे की हाकिमियत चलती है, उस डिस्ट्रिक्ट में और बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने ये भी बर्दाश्त किया इसलिए कि हम पार्टी के साथ लायक बनना चाहते हैं। पाकिस्तान के वर्कर मुझसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता था, और हमारे जो दोस्त हैं उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने कहा मैंने सब्र करना है, मैंने सब्र करना है, और मैंने सब्र किया, फिर हालत यहां तक पहुंची। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं सहाबाई असेंबली के अजलास को ताखीर डिलीबरेटरी कर रहा था, अपोजिशन के कहने पे मैं डबल प्ले कर रहा था। तो मैं आज ये बात चैलेंज करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब हर सूरत में पंजाब असेंबली का अजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया चौधरी परवेज लाई को कि मेरे पास ये अमानत थी प्राइम मिनिस्टर की, मैं नहीं चाहता था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को मुश्किल में डालूं। और चौधरी कौन मुझसे नाराज हैं कि मैंने असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, वो भाई मेरे पास इस्तीफा आए, इस्तीफा को मंजूर करूं तो फिर असेंबली का इजलास बुलाऊं। फिर 2 तारीख को इन्होंने मुझे कहा कि आज ही इस्तीफा मंजूर करो और आज ही असेंबली का इजलास। तो मैंने कहा भाई मैं प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा और उसके बाद मैं इस्तीफा जो है वो मंजूर कर दूंगा। मैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया, वहां पार्टी के साथ 8 रहनुमा थे, कोई मेरी बात को कुरान के हाथ रख के झूठा कहे जो मैं आज बात करने लगा हूं। तो मैंने उन्होंने कहा जी इस्तीफा मंजूर, सर मंजूर। उसके बाद उन्होंने कहा परवेज खड़क साहब एक कागज का टुकड़ा ले आए मेरे पास, इस पे दस्तखत करो। मैंने कहा भाई ये क्या है, नहीं दस्तखत करो। उस पे लिखा हुआ था कि 2 अप्रैल को असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने कहा सर खुदा के लिए मैं बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट रहा, मैंने अपनी जिंदगी सारी गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं किया, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी पे बिलीव करता हूं। अभी इस्तीफा मेरे पास है, इस्तीफा ने जाना है लॉ डिपार्टमेंट में, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास जाना है, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, उस नोटिफिकेशन के बाद लॉ डिपार्टमेंट ने समरी मूव करनी है सभा असेंबली की। सर मैं मरम मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मेरे से ये गुनाह न करें, सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास न बनाए। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, और फिर जो मर्जी गैर आइनी काम कराना है चाहे गवर्नमेंट से करवा लो। वहां प्रवेश खटक ने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, मैंने हमर किया। मैं इस बात में मानता हूं कि मैंने उस वक्त अपनी आवाज नीची की इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा काम पहली दफा कर रहा। तो फिर 10-15 मिनट के बाद फिर मेरे पास आए परवेज लाही, ये कहता है कि 2 को नहीं होता तो मैं जीत नहीं सकता, 2 को इलेक्शन करवाना जरूरी है। मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पास किया, मैंने कहा मैं 5 मिनट प्राइम मिनिस्टर से एलर्जी में मिलूंगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि मैं खुश नहीं हूं, हमारे पास 184 मेंबर्स थे, उनमें से क्यों एक नहीं बन सकता, मेरा दिल नहीं करता उसको सपोर्ट करने को।
और ये काम भी मैं अपने दिल पे पत्थर रख के सारा अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं और मैंने वो दस्तक भी कर दिए अपने जमीर के खिलाफ। लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर दिया। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तक नहीं करने चाहिए। मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत रंज है कि पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। मैंने मियां बरादरान को रिजाइन दिया। आप सब जानते हैं कि मैंने आज तक उनके बारे में कभी बात नहीं की और पूरी दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन ने भी कभी मेरी बात मेरे करेक्टर पे बात नहीं की। एक बात पाकिस्तान में सबको पता है कि मोहम्मद सरवर कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं करेगा, ये सबको मालूम। इसलिए मेरी वो इज्जत करते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं जो 10 दफा रिजाइन देने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, मेरे जमीन पे बड़ा बोझ है। मैं तकलीफ में था जो पंजाब में हो रहा उसके लिए जो तमाशे चल रहे थे। मुझे मेरा रिजाइन मैं प्यार से जाना चाहता हूं, मैं लड़ाई करके नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की सियासत पे बिलीव नहीं करता। अभी मैं कहता हूं कि मैं पीजीआई के दोस्तों के साथ मेरे भाई हैं दोस्त हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईद का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूं। फिर मैं ये भी वार्न करता हूं मेरे सीने में जो राज हैं वो सब आएंगे। लेकिन अब मैं ये कहता हूं पीजीआई के वर्करों को कि मैं आपके साथ हूं, आप मेरे भाई हैं, आपके जज्बात से मैं आगाह हूं। मैं माफी चाहता हूं कि हम आपको एक दिन भी मेरे पीजीआई के वर्करों ने यकीन नहीं किया कि वो इकतदार में आ गए। यकीन माने जब हम अपोजिशन में थे हम तो ज्यादा ताकत था। और आपसे बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, रात को मुझे टेलीफोन कॉल आई कि चौसाब परवेज अलाही हार रहा है, आप असेंबली का अजलास मुल्तवी कर दें और उसके बाद आपके पास ये भी पावर है कि अगर वो 186 वोट पहले पे ना ले सके तो उसके बाद आप असेंबली को डिजॉल्व। मैंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा एज इट डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं बड़े उस आईनी सरबराह हूं, मैं गैर आईनी काम नहीं करूंगा। सुबह 10 बजे आप जो कहेंगे मैं वकला से मशवरा करूंगा। अगर वकला ने ये बात कही कि ये आईनी है तो मैं यकीन अपने प्राइम मिनिस्टर के जो है हुक्म जो है उसको अवे करूंगा। वो हमारा लीडर है तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और मुझे एक खतरा है कि कहीं ये ना हो जाए कि कल को अखबारों में आए कि चौधरी सरवर भी इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी का हिस्सा बन गया है। इंटरनेशनल कॉन्स्परेसी में मैं ना आ जाऊं। लेकिन एक बात मैं एज ए पीस ऑफ एडवाइस अपने तमाम क्रॉस पार्टी पॉलिटिशियंस से कहता हूं, दुनिया का कोई मुल्क भी पूरी दुनिया से टक्कर नहीं दे सकता, अमरीका भी टक्कर नहीं दे सकता। हमें अपने हदूद में रहना चाहिए, आजाद खारजा पॉलिसी हर मुल्क का हक है। हमें खुदा के लिए पाकिस्तान में जो मर्जी करें, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी 12 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। पूरी दुनिया जो अपने ताल्लुकात बनाती है वो पहले देखते हैं कि हमारे उनके साथ मुआशी मफादात क्या हैं। हमारा सबसे बड़ा मुआशी पार्टनर यूरोपियन यूनियन है, हमें उनके साथ ताल्लुकात। चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर हाउस में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो इस वक्त जारी है। यहाँ पर एक और अहम खबर आपको बताएंगे कि कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद अपोजिशन इन एक्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील शहबाज खोसा दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील सरफराज आगाह कीजिए। जी अदील सरफराज
قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے بعد اپوزیشن ان ایکشن، پیپلز پارٹی کے وکیل شہباز کھوسا درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پیپلز پارٹی سپریم کورٹ پہنچ گئی، شہباز کھوسا قاسم سوری کے خلاف درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے بعد اپوزیشن ان ایکشن، پیپلز پارٹی کے وکیل شہباز کھوسا درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ پہنچ گئی، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پیپلز پارٹی کے وکیل سپریم کورٹ پہنچے ہیں، شہباز کھوسا قاسم سوری کے خلاف درخواست دائر کریں گے۔ عدیل سرفراز آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی عدیل کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں شہباز کھوسا جو اب سے کچھ دیر قبل ہی سپریم کورٹ پہنچے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ درخواست دائر آئے ہیں۔ ہمیں حیران کن طور پر آج سپریم کورٹ میں تمام جو کاروائی ہے اس پر جو دروازے ہیں سپریم کورٹ کے مختلف برانچز کے بند ہیں اور کوئی بھی دفتر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اس بات ضرور ہے۔ بہرحال وہ اندر چلے گئے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ کے اندر، اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آج جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس اگر آج پیدا ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ میں پیٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہے، اور اسی کے لیے وہ یہاں پر آئے ہیں۔ دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان بھی، انہوں نے بھی ایک اہم میٹنگ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بلا لی ہے اپنے ہی گھر پر، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس میں بھی اہم فیصلہ متوقع ہے۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ معاملے کا نوٹس لے لے، یا پھر کل سپریم کورٹ جب صدارتی ریفرنس پر سماعت کرے تو اس معاملے کو ٹیک لے۔ لیکن اب یہ ہے، اس کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہمارے ذرائع سے کہ کامران جو وکیل ہیں جی بھائی کے، عدیل آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں آ پا رہی۔ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے کے بعد اپوزیشن ان ایکشن، پیپلز پارٹی کے وکیل شہباز کھوسا درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو لے چلتے ہیں گورنر ہاؤس پنجاب کے، جہاں پر چودھری محمد سرور اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ممالک سے ہم نے کہہ رہے ہیں روابط پیدا کرنا، اس لیے میں سمجھتا ہوں آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب آج میں نے پہلی تاریخ کو ولنٹری یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں استعفیٰ سر مجھ سے لے لے، پھر اپنی مرضی کے کام نیا بندہ کر کے لگوا لے، تو پھر یہ سیک کرنے کی مجھے کیا ضرورت؟ ایک بندہ سیک تو اس کو کرتے ہیں جو استعفیٰ نہ، اگر مجھے میں خود، مجھے کہا بھی نہیں گیا، میں نے خود، اور یہ شاہ محمود قریشی پرویز کھڑے کے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے غیر آئینی کام نہ کروائیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں نئے بندے سے کام۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ اگر میری پارٹی نے میرے مشورے مانے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں حالات ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر دانشمندانہ غیر سیاسی مشاورت عمران خان کو دے رہے ہیں ان مشوروں سے کرتے لیکن ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ، اب میری سیاست پاکستان میں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں کوئی بھی فیصلہ ہزاروں درخت ہیں پی کے جن سے میں دل سے پیار کرتا ہوں، میرے بھائی ہیں، ان کو میں نے پچھلے 3.5 سالوں میں مشکل ترین حالات، اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا بے اختیار تھا میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا وقت گزارا کیا۔ تو جن ورکرز ہیں ان کی مشاورت کروں گا، ایم پی اے سے مشاورت کروں گا، پھر اوورسیز پاکستانی میرا بہت بڑا سرمایہ ہے، ان سے مشاورت کروں گا، اس مشاورت کے بعد میں اپنا سیاسی کرتا ہوں۔ دیکھیں میں
ये कहता हूं कि आईन की जो तशरीह है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात। आप इसे आईन और कानून की बात करें, आपके नीचे जो स्टाफ था इनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, पीटीआई इनके ऊपर इल्जाम लगती थी, आपके स्टाफ के ऊपर चार्जेस लगते रहे कि ये करप्शन में मुलव्वस हैं, साढ़े तीन साल आप हुकूमत में रहे, इनके खिलाफ अगर कोई तहकीकात करवाई उन इल्जाम की या नहीं, और अगर नहीं करवाई तो क्यों नहीं करवाई? दूसरी बात ये सर, दूसरी बात ये जवाब दे भाई, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन सरबराह हूं, मैं अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं तो बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लेता जो कर रहे हैं। नहीं, मैं वादा माफ का कभी भी नहीं बना, देखे मेरी वादा मानी सच्ची बात कोर्ट के जो भी सुन रहा सुने रहा, मैं जो बातें कही हैं वो ऑन कोर्ट भी मैं कह सकता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस मुल्क में मैंने सियासत की है वहां अगर आप ऑन कोर्ट झूठ बोलते हैं उसकी मिनिमम सजा 5 साल है, तो मैं ऑन ओथ ये सारी बातें जो कही हैं ये सच्ची है, मैं ऑन ओथ कहता हूं। पूरी दुनिया उनको देखे भाई, पूरी दुनिया उनको बताती रही है, पूरी फेडरल जो है हमारी कैबिनेट उनको बताती रही है। थैंक यू सो मच। सरवर गवर्नर हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दुनिया को मालूम पीटीआई की मुहिम चलाई, हम सब ने मिलकर इमरान खान को वजीर आजम बनवाया, मैं और शाह महमूद वजारत आला के उम्मीदवार थे, कई और बहुत से भी वजारत आला के उम्मीदवार थे, वजीर आजम ने हम सब पर उस्मान बुजदार को